शक्ल से पूरा दिख रहा है मुझे, लाट टपक रही है एकदम चिटिंग करने के। अरे देखिए पहला हैकर्स मीट 1.0 राउंड 1 आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, और हमारे विजेता जो है वो है people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top so you better back off again. सुबह से बुरा हाल हो रहा है क्योंकि सुबह से हम लोग ना बिजी हैं। किसके अंदर? हम आपको दिखाएंगे अंदर का पूरा सीन कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स बैठे हैं। एक डिपार्टमेंट कॉलिंग पे बैठा है, एक डिपार्टमेंट टेस्ट ले रहा है, और एक डिपार्टमेंट आगे की प्रिपरेशन कर रहा है कि राउंड टू में क्या क्या चीजें होने वाली है। सो आज बहुत हमारा बिजी शेड्यूल चलने वाला है क्योंकि सुबह से ले शाम तक काफी सारे बैचेस है। छह ग्रुप में हमें डिवाइड करा सारे हैकर मीट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको। सो ये जो हमारा अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है ये हैकर्स मीट का राउंड वन है। हाँ। और इसके रिजल्ट अभी रात को शाम को डिक्लेयर होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो बस उस चीज की प्रिपरेशन चल रही है पूरी। और उसके बाद फिर हमारा राउंड टू जाने वाला है, वो दो वीक के बाद आएगा। तो उसके लिए तो अभी तक जो लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं करा है, तो डायरेक्टली वो राउंड टू के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो लोग डायरेक्टली करना चाह रहे हैं अप्रोच। सो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉर्म भर देना, राउंड टू के लिए डायरेक्टली आपको एंट्री मिल जाएगी। बहुत सारी ऑडिट्स चल रही हैं, आज एक ऑडिट बहुत इंस्टेंटली निपटानी है, उसके लिए ऑलरेडी टीम लगी हुई है, और अभी हम दोनों को भी वो करनी है। मतलब ऐसा चल रहा है कि ना थोड़ा सा इसका काम करो, थोड़ा सा इसका काम करो, थोड़ा सा काम करो, ऐसे चल रहा है पूरा पूरा, पर मैनेज करना पड़ रहा है सब सारे काम, मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक है। और अभी रात को रिजल्ट्स डिक्लेरेशन भी है, तो अभी एक्चुअल में ये वीडियो कल आने वाला संडे को आएगा ना, और शनिवार को शाम को ऑलरेडी हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा। अरे हाँ, सो ऑब्वियसली कल हमारा रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ, तो कल का ये शेड्यूल हो रहा है पूरा कि बहुत ज्यादा हैक्टिक चल रहा है सब चीज। देखना आपके देखना आप बोलना कि हैकर मीट के अंदर किसने अभी टॉप किया राउंड वन के अंदर। सो अभी ठीक लग रहा है ना? अभी ठीक लग रहा है, पर ऐसा कुछ लग रहा है कि तुम बस गिरने वाले हो इधर ही, इस साइड ही, मेरे साइड ही। क्योंकि एक्चुअल में ना अभी मैंने बहुत दूर रख रखा अपना हाथ, और सही बात है, अभी सारे जो रूम्स हैं ऑफिस के सब एंगेज हैं, कहीं पे कोई कॉलिंग टीम बैठी है, कहीं पे कोई दूसरा डिस्कशन टीम बैठी है, राउंड वन चल रहा है, राउंड वन चल रहा है, सो सारे रूम्स अभी पैक है। तो अभी हम लोग अपने व्लॉग बनाने के लिए ना इधर उधर जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे बैठ के बनाए। सो अभी हम लोग ना मेरठ आने वाले हैं, मेरठ हमारा 8-9-10 को हम लोग आएंगे, ठीक है ना। तो 8 तारीख को निकलेंगे हम लोग कोटा से, तो उसके बारे में भी आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जो वहाँ पे सब्सक्राइबर मिलना चाहे मेरठ के, तो वो प्लीज़ आके मिल सकते हैं, अगर कोई मेरठ के आसपास रहता हो तो वो भी वेलकम है। हाँ, सो अभी हम लोगों का मेरठ का प्लान बना है, एक्चुअली वहाँ पे वर्कशॉप है, सो उसके लिए आ रहे हैं, तो आप वेलकम है, आप मिलने आए। कमेंट पोस्ट में चेक कर लेना कि ना हमारा एड्रेस क्या रहेगा, तो जिसको मिलना हो आके। तो कुछ अभी कोई सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे बोला है कि हम लोग आएंगे मेरठ मिलने के लिए, सो वेलकम उन लोगों का वहाँ पे। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Mom, how are you? Good. 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 एक नंबर चल रही है क्या मीट आपकी? बिल्कुल बढ़िया चल रही है और बहुत सक्सेसफुल हो रही है हमारा फर्स्ट राउंड, वेरी नाइस। और अभी फिलहाल आपका? यस, इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली, है ना, पहला वाला सेशन है ना आपका, तो अलग करा वो थ्योरी को ले दो। हां, होती है, हां, लग के अलग करा वो थ्योरी, यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हे वैभव, कैसे? बढ़िया। टेलीग्राम में मजे ले रहा था बढ़िया। हाँ, दिख रहा था मुझे टेलीग्राम के अंदर। अरे वाह, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल रहा है अभी टेस्ट हमारा? हाँ, एकदम बेस्ट। चल ठीक है, बढ़िया, अच्छे से देना, चीटिंग मत करना। नहीं नहीं सर, है ना, शक्ल से पूरा दिख रहा है मुझे, लाट टपक रही है एकदम चीटिंग करने के। अरे देखिए, चलो ठीक है, टेस्ट जैसा होता वैसे ही देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है, सही है, सही है, चलेगा। ओके बाय। Anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. So, अभी यहाँ काफी सारी बातचीत चल रही है, यहाँ पे रिद्धि भी काम करने लगी। रिद्धि, ऑडिट चल रही तुम्हारी? हाँ, ऑडिट चल रही है। सो रिद्धि की अभी ऑडिट चल रही है, और मैं अभी फ्री घूम रहा हूँ, फ्री नहीं घूम रहा, मैं भी अपना काम कर रहा था, और यहाँ पे घर घर रोना गा रहे थे लोग कि संडे को ऑफिस मिलना चाहिए, संडे को, संडे को ऑफिस मिलना चाहिए, संडे को ऑफिस मिलना चाहिए, मतलब होना चाहिए, हाँ आना चाहिए। ओके, तो संडे को आपको बुला लेते हैं। तो चल रहा है, प्लान आउट कर सकते हैं आउटिंग का वगैरह का, जिससे कि सब ऑफिस वाले लोग जा सके घूमने, माइंड फ्रेश करने, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल,
सही बात है, है ना। सो रिद्धि अभी प्लान करने सोच रही कहीं बाहर जाने का, बाहर का? अरे पूरा ये तो पूरा मंथ अपना बाहर है, पता है तुम्हें? पूरा मंथ बाहर है। अभी हम लोग मेरठ जाएंगे, मेरठ के बाद शायद से हिमाचल भी जाएंगे एंड फिर उसके बाद हम मुंबई भी जाएंगे इसी मंथ। इस मंथ जाएंगे हम, एक्चुअली जाने का हमारा फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग में था पर नहीं हो पाया, बिना जाना पड़ेगा उसका, थोड़ा लेट जाना पड़ेगा। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम अभी ही जाएं, मींस मार्च में ही जाएं, जिससे कि जो भी हमें वहाँ पे काम करके आना है या बात करके आना है, डिस्कशन करके आना है अपने सीनियर से, वो हम कंप्लीट करके कंप्लीट हो जाए हमारा। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. आप देख सकते हैं पीछे अभी भी ऑन कॉल सब चल रहा है, कोई बच्चे को कॉल कर रहा है, कोई फीडबैक कलेक्ट कर रहा है, कोई नेक्स्ट बैच के लिए बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं कि अगर किसी का कोई भी टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो रहा है किसी क्लास की वजह से या इंटरनेट इशू की वजह से, तो वो उनको नेक्स्ट बैच में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी भी हमारा हैकर्स पूरा चल रहा है, हैकर्स मीट का काम। सो मॉर्निंग में 11 बजे से हमने एक बैच स्टार्ट करा था और उसके बाद कंटिन्यू बैचेस चल रहे हैं, शाम के 6 बजे चलेंगे, 6 बजे तक चलेंगे और 6 से 7 o'clock तक, 6 टू 7 o'clock के बीच में हम रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ कहना, अभी कुछ स्टूडेंट ने मुझे जैसे बोला भी था कि ना सर हम लोग अभी कुछ और नए स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, सो उनके लिए जो मीट होने वाली है वो होगी, मतलब फर्स्ट राउंड वन जो है उनका कल 11 से 12 के बीच में रहेगा। सो अगर आप में से कोई देख रहा है क्योंकि 9 बजे हमारा ब्लॉग आ जाएगा और किसी को रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो भाई राउंड वन 11 से 12 होने वाला, तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं उसके लिए और डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। 5 और 6 को था लेकिन हमारे आज ही सारे स्टूडेंट्स को हमने पैक किया कि सैटरडे को ही हम कंप्लीट करें, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बचे हैं या जिनका टाइम फ्रेम नहीं बैठ पाया तो उनका कल भी है, तो आप लोग भी अगर रेडी हैं और अभी आप नहीं कर पाए आज तो प्लीज़ आप कल ज्वाइन करें। तो 11 बजे वापस होने वाला है तो बहुत फटाफट ज्वाइन करना ताकि राउंड 2 के अंदर आपको एंट्री मिल सके, और राउंड 2 होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, 2 वीक के बाद आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने का भी। They say anything negative cuz I just want to hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and... तुम वो दवा लियाओ इसकी। हां दवा लियाओ। प्लांट्स के मर जाते हैं बेचारे। आज उसकी दवाई लेकर आएंगे हम लोग आज। इनका खाना भी आना चाहिए, हम तो लंच भी करते हैं डिनर भी करते हैं तो इनका भी तो होना चाहिए। बिल्कुल लाएंगे, वो भी लेकर आएंगे। तेरे को बोला था ना लाने के लिए, जल्दी सही करने के लिए मरवा देना मुझे। प्लांट्स ही चुक गए मेरे तो हाथ में। हैं? ना सूख गया वो प्लांट, उसको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया तो मेरे हाथ में चुक गया। कम से कम पूरी बॉटल भर के नहीं डालना चाहिए प्लांट्स में, थोड़ा थोड़ा डालो अल्टरनेट। थोड़ा डाल रहा हूँ तो आप मना कर रहे हो कि पानी नहीं डाला इसमें। इतना डालो कि मिट्टी गीली लगे, डालो पर इतना डालो कि मिट्टी गीली लगे थोड़ा सा, वो क्योंकि सोक भी तो करती है ना इसलिए। अब तू बोल, कुछ नहीं बोल, तुम मस्त रहे। मेरी नहीं बज रही मैम, इसकी प्रोग्राम की बारे में। मैम ये देखो ना, चलते चलते म्यू कह रहा है मैंने एट नहीं चलने दूंगा तेरे से। शाम हो गई है, बहुत ज्यादा थक गए हैं, सो सोच रहे हैं कि एक बार चाय का राउंड लगा लें। पीती हो चाय का राउंड लगा ले, कुछ भी मैं तो नहीं पीती लेकिन और लोग तो पीते हैं। हाँ तो अभी फटाफट हमारा सर्टिफिकेशन वाला काम चल रहा है, सर्टिफिकेट हम लोग रेडी कर रहे हैं और रिजल्ट डिक्लेरेशन का टाइम आने वाला है, और अब जस्ट देख रहे हैं कि टॉप 10 कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं। मतलब मैंने देखा कि ना मतलब बेसिक्स क्वेश्चन है पर तब भी है ना बच्चे जो है ना 100% परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब कि अभी भी बेसिक्स की है ना बहुत ज़रूरी है उनको अपडेट करना। सो मुझे लग रहा था कि पेपर इतना हार्ड नहीं बनाया, फर्स्ट राउंड पेपर सिंपल था और लाइक उसमें ये था कि हाँ इजीली 90-85% तो स्टूडेंट गेट कर ही लेंगे, लेकिन उसमें भी अभी थोड़ा सा कम रहा है, तो देखते हैं कितना हाईएस्ट स्कोर गया है, हमारा अजम्पशन क्या था और एक्चुअल स्कोर क्या निकला है, देखते हैं थोड़ी सी देर में। और फिर राउंड 2 के अंदर होना है बहुत भयंकर धमाल, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। शाम के 6 बजने वाले हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, अभी बस टीम पीछे बैठ के वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं। और अभी काफी कुछ बच्चे जो हैं वो अभी भी टेस्ट दे रहे हैं, तो अभी उनका चल ही रहा है टेस्ट देना, और कुछ का कल हम रखा है जो काफी अच्छे रजिस्ट्रेशन हुए थे, काफी अच्छी स्ट्रेंथ रही इस बार हमारे टेस्ट में। सो अभी तक रजिस्ट्रेशन में मीन्स अभी तक स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, 6-7 बैचेस बने थे, अब 2 बैचेस हमने नए अभी कंडक्ट करे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स के टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू आ गया था एंड कुछ एक्सीड हो रहे थे। तो कल भी एक हमने बैच रखा है 11 से 12 वाला बैच, जो लोग
रात में ज्वाइन करेंगे या फिर लेट ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जिनके कॉलेजेस वगैरह चल रहे हैं तो वो उस कंडीशन वगैरह जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे उनके लिए कल 11 से 12 वाला बैच, और जिनका अभी तक हो गया पूरे दिन भर के अंदर उनका आज रिजल्ट अनाउंसमेंट अभी मतलब कल हो चुका है 6 बजे, मतलब 6 बजे हम लोग करेंगे इस चीज को। बस देखते हैं कौन कौन से बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब टॉप 10 जो है हैकर बिट के, वो टॉप 10 का नाम इंट्रोड्यूस करेंगे और बाकी सबका जो रिजल्ट्स होंगे वो उनके मेल आईडी पे पहुंच जाएंगे। और मतलब एक्साइटेड है ये जानने के लिए टॉप 10 हमारे इस हैकर मीटिंग कौन होने वाले हैं, और फिर वही उनसे काफी एक्सपेक्टेशन रहेगी राउंड 2 के अंदर कि वो कितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, और होप सो कोई कंपनी के अंदर उनको जॉब के लिए या फिर प्लेसमेंट या फिर कुछ भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और बहुत अच्छी बात है कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स कंडक्ट कर मींस इन्वॉल्व हुए इसमें और काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है सब। तो शाम हो गई है, एज इन हम लोगों का पूरा काम अब कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ी सी देर में हम लोग सब लाइव आने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि टॉप 10 कौन है। उससे पहले एक बार हम रिव्यूज़ जान लेते हैं सबसे पहले इवेंट कोऑर्डिनेटर से। सो आप बताओ कैसा लगा आपको आज का इवेंट? ये इवेंट आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, सो आपको कैसा लगा इवेंट देख के? मैम इवेंट देख के मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट इवेंट रहा है अभी तक का, और ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो आपको अच्छा लगा? मैम बेस्ट। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. पहला हैकर्स मीट 1.0 राउंड 1 आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, और हमारे विजेता जो हैं वो हैं आर्यन और निखिल, जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट पोजीशन स्कोर करी और टाई हुआ है, और दोनों का टाई हुआ है। सो बहुत ही अच्छी बात है, पूरा इंडिया में का बच्चा बैठा और उसमें से वो दो बच्चे टाई हुए फर्स्ट। 200 हैकर्स में से टॉप 2 हैकर्स, भाई एक नंबर रंग दिया पूरा का पूरा माहौल, मतलब 200 हैकर इंडिया लेवल पे रजिस्ट्रेशन आए थे हमारे पास 200 हैकर्स के, उसमें से टॉप 2 स्टूडेंट जो अभी हमारे जीते हैं, और टॉप 3 में बहुत अच्छी बात है उन टॉप 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अब जो आने वाला है वो राउंड 2 आने वाला है, वो होने वाला और धमाल, क्योंकि और वो होली के बाद है, होली के जस्ट बाद है, तो हम आपको उसके इन्फॉर्मेशन देते चलेंगे कि कैसे कैसे होता जाएगा और कैसा कैसा होगा। तो होली की धमाल के बाद आप करेंगे हैकर मीट राउंड 2 के अंदर धमाल, और वो होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये था थियोरेटिकल एमसीक्यू टेस्ट जिसमें पूरी चीजें हमने कवर करी, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और क्या कहता रहती थी, कंप्यूटर बेसिक्स, हैकिंग, हैकिंग का, नेटवर्किंग, बहुत सारी चीजें थी। सबसे फिल्टर होने के बाद अब आए हमारे पास क्रीम स्टूडेंट। अगर आप भी चाहते हैं इस मीट के अंदर पार्टिसिपेट करना हो, राउंड 1 मिस कर चुके हैं तो सीधे राउंड 2 के लिए अप्लाई करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर राउंड 2 का लिंक दिया गया है, सीधे रजिस्टर कर लो। 500 रजिस्ट्रेशन फीस है हमारी इसकी, और अगर आप चाहते हैं कि हैकर की टी शर्ट मंगाना जिसमें आगे हैकर मीट लिखा हो और उसके अलावा मास्क हो हैकर का, सो उस कंडीशन में आपको 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जिसमें आपके घर पे कोरियर डिलीवर हो जाएगा, और वही पहन के आपको बैठना है हमारी हैकर मीट के अंदर। वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो अपने आइडियाज बताएंगे, अपनी जर्नी बताएंगे और स्कोप बताएंगे साइबर सिक्योरिटी का और साइबर वर्ल्ड का। सो वो चीज़ आप मिस ना करें, इसलिए अगर आना है तो वाइल्ड कार्ड एंट्री से भी अलाउड है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, और जो यहाँ पे टॉप लिस्टेड है उनका तो ऑलरेडी वेलकम है। तो चलो आज ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करते, ये हमारी टीम अभी जो एंड में बच गई है ये हमारे साथ में टीम चली गई क्योंकि काफी लेट हो गया है, पूरा डिपार्टमेंट को टेलीकॉलिंग चला गया है, ठीक है ना, और भी लोग चले गए, पर बस जो लास्ट में बचे, जो लोग मेन रात भर काम कर रहे थे वो यहाँ बचे हुए हैं, ठीक है। तो बस चले आज के लिए काफी होता, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आज का दिन बहुत मींस हैक्टिक नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा रहा क्योंकि काफी मेहनत रही सबकी और सबकी मेहनत रंग लाई। चलो ठीक है, इस ब्लॉग के इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।